सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्यों अहम है इसकी स्कूल सेटिंग में क्या अहमियत है और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को इसको फॉलो क्यों करना चाहिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है इट कल्टिवेट्स इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स इन स्टूडेंट्स दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट एक स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि वो एक्डेमिक्स के साथ साथ ऐसी लाइफ स्किल्स भी स्टूडेंट्स को सिखाएं जिससे वो दे आर एबल टू मर्च वेल इन सोसाइटी इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो ऐसी कौन सी लाइफ स्किल्स हैं जो कि स्कूल मदद कर सकता है स्टूडेंट्स को उसको हासिल करने के लिए और ऐसे कौन से लोग हैं जो इसमें उनकी मदद कर सकते हैं सबसे पहले तो लाइफ स्किल्स जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो लाइफ स्किल्स क्या हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स शुड फील एम्पावर्ड नॉट ओनली इन द स्कूल सेटिंग बट ऑल्सो इन सोसाइटी एट लार्ज एम्पावर्मेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एम्पावरमेंट से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये एहसास हो कि वो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग हैं और इंडिपेंडेंटली वो फैसले भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट सोच भी रख सकते हैं ये एक बहुत अहम अमल है जिसमें टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की बहुत हद तक मदद कर सकते हैं और इसमें सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें पेरेंट्स जिसमें प्रिंसिपल्स जिसमें कम्युनिटी जिसमें स्टूडेंट्स ख़ुद ये सब लोग मिलकर स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं सो दैट ही और शी डेवलप्स बेटर सेल्फ अवेयरनेस नाउ सेल्फ अवेयरनेस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब स्टूडेंट एम्पावर्ड फील करेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें सेल्फ अवेयरनेस आएगी उसमें ये आगाही आएगी कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो क्या माने रखती है और हाउ ही कैन इम्प्रूव हिम सेल्फ और हर सेल्फ इन फॉरवर्डिंग द इशू फर्दर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे कोई इशूज़ हैं जिन पर तब्दीली आ सकती है तो उन ईशूज़ के ऊपर वो काम कर सकते हैं और ये सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू ही पॉसिबल है अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एकेडमिकली वीक है सेल्फ अवेयरनेस के जरिए वो अपनी इस वीकनेस पर काबू पा सकता है या पा सकती है इसी तरह टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो ये सेल्फ़ अवेयरनेस डेवलप करने में मदद कर सकते हैं थ्रू बेटर चॉइसेस एंड थ्रू गिविंग अ परमानेंट सपोर्ट और इसके जरिए इन तमाम मराहल से गुजर कर जो स्टूडेंट है ही और शी फील्स एम्पावर्ड द सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इसकी डेवलपमेंट जो है वो स्कूल की जिम्मेदारी है और इसकी जो बेहतर ये इस तरीके से पनप सकती है अगर जो टीचर्स हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आएं इसके अलावा जो चीज़ अहम है वो स्टूडेंट प्रोग्रेस है प्रोग्रेस से हमारी मुराद ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमिक लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं थ्रू बेटर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि गाइडेंस के थ्रू प्रॉपर चॉइसेस आर मेड और काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है टू मेंटेन और टू री और एडजस्ट दीज चॉइसेस तो स्टूडेंट प्रोग्रेस के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है सो दैट इज़ अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसके अलावा जो चीज़ अहम है वो ये है कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको स्टूडेंट्स फेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स के हल के लिए भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो बहुत मददगार साबित होती है इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो एक्डेमिकली वीक हैं या बेहवोरियली वीक हैं तो और अगर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं उसके तहत हम एक्डेमिकली स्टूडेंट को बहुत मदद कर सकते हैं वी कैन रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट इन द स्कूल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट फंक्शन एकेडमिकली सो इफ दे आर गाइडेड वेल इन एडवांस दे आर काउंसल्ड प्रॉपरली दीज प्रॉब्लम्स कैन बी टेकन केयर ऑफ सो इन दिस रिगार्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट दे आर सिग्निफिकेंट प्रोसीजर्स विच हैव टू बी फॉलोड इन स्कूल अगेन दे नीड टू बी सिस्टमैटिकली इंगेजड एंड दे नीड टू बी सिस्टमैटिकली प्लैंड इन द स्कूल करिकुलम

तो इसमें अगर प्रोपरली ऐसे बच्चों को ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए तो ये जो मसाइल हैं इन पर काबू पा लिया जाता है तो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ये है कि ये मदद करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने एंटी सोशल बिहेवियर्स पर काबू पा सकें एंटी सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो ना सिर्फ तदरीसी अमल को रोकते हैं बल्कि इसके साथ साथ वो एकेडमिक जो हमारे जितने भी मामलत हैं उनको भी सही तौर पर चलने से रोक सकते हैं इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी सोशल बिहेवियर्स में इंगेज ना हों अब जब हम एंटी सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो इससे हमारी क्या मुराद है एंटी सोशल बिहेवियर से हमारी मुराद है बुलिंग ये एक बहुत उभरता हुआ मसला है जो स्कूल्स में आम तौर पर देखा जा रहा है ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी स्टूडेंट्स को इसका सामना करना पड़ता है इसमें कोई एक तालबिल्म जो है वो बुली बन जाता है वो ये समझता है कि उसमें इतनी पावर है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करे और उनको ओवर पावर करे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो विक्टम बन जाते हैं अब बुली और विक्टम जो हैं वो दोनों एट रिस्क हैं बुली जो है वो अपने बुलिज़म के थ्रू ही और शी पुट्स द लाइफ ऑफ अदर पीपल एट स्टे और जो विक्टम है ही और शी गेट्स सुप्रेस्ट सैकोलॉजिकली सुप्रेस्ड बाई दी बिहेवियर ऑफ अ बुली तो ये दोनों जो हैं इनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है तो एक एक अहमियत जो गाइडेंस एंड काउंसिलिंग की है कि वो बुलिंग इंसिडेंट्स में स्टूडेंट्स की मदद करता है वो तालबिल जो बुली है उसको ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि उसको ये समझाया जाए या उसको ऐसे पाथ के ऊपर लाया जाए जिसमें वो ये समझे कि उसका ये रवैया जो है ये मनफी है और इस रवैये पर उसने काबू पाना है इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो विक्टम्स हैं जो इफेक्टिज़ हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि उनको अपने आप को साइकोलॉजिकली बूस्ट करना है ऐसे मामलों को ना सिर्फ परखने के लिए बल्कि इनका मुकाबला करने के लिए तो बुलज़म जो है दैट्स अ बिग रिस्क फैक्टर इन द स्कूल एंड दैट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसके अलावा हम जब एंटी सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है रेसिज्म की बात आ जाती है प्रेजडस की बात आ जाती है ये तमाम जो अमल हैं ये भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ज़रिए इन पर काबू पाया जा सकता है बाज़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं दे आर प्रेजडस्ट अगेंस्ट सम वन और दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम वन जो कि बिल्कुल एक मनफी रवैया है टीचर्स जो हैं उनका इम ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है For teachers, all students are equal. Similarly, for administrative staff, all students are equal. They should not be made subject of any prejudice, any discrimination. और इसमें ये बहुत जरूरी है कि racism जो है, इस पर भी काबू पाया जा सके। जितने भी कामों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको proper respect दी जाए, उनको properly acknowledge किया जाए। So there is a need to coexist in the school. यही को एग्जिस्टेंस जो है ये फिर सोसाइटी में जाकर मदद करती है और अगर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के रवैये स्कूल में देखे जा रहे हैं तो वहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए इन पर काबू पाया जा सकता है तो इस चीज़ को जितनी जल्दी रोक लिया जाए उतना बेहतर है क्योंकि अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो ये जो है ये पनपता जाएगा और फिर आगे जाकर ये मसाइल जो है इसके लिए मसाइल पेश हो सकते हैं सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्टज एन एन एंटी सोशल बिहेवियर अब कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं और समटाइम्स दे डू नॉट नो हाउ टू रिजॉल्व अ सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज नीड टू बी एम्प्लॉयड एंड दे कैन बी सेफली एम्प्लॉयड थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सो कॉन्फ्लिक्ट दे नीड टू बी नॉट ओनली अवॉइडेड बट दे ऑल्सो नीड टू बी हैंडल्ड इसके अलावा fights there are fights in the school students fight with each other so how to handle those issues sometimes teachers handle it at a very superficial level but they need to be handled properly so that further fighting incidents are reduced aur ye bhi proper guidance and counseling ke zariye hum in masail par bhi kabu pa sakte hain तो जब हम life skills की बात करते हैं हम जब ये देखते हैं कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनसे स्टूडेंट्स दो तो चार हैं प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए इन तमाम मसाइल पर काबू पाया जा सकता है सेल्फ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज दैट इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंडल्फ़ हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात की है और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को समझते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड अपनी वीकनेस को जानते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी स्टूडेंट अपने आप को जान जाए अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को वो ये ये उसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके करियर पाथ की डेवलपमेंट में उसके बिहेवोरियल डेवलपमेंट में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत अहम रोल अदा करती है और थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डिवेलप कर सकते हैं हम जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इसमें अहम बात यह है कि इट हेल्प्स इन दी पर्सनल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ इसमें स्टूडेंट्स में पॉजिटिव चेंज जो है वो भी बहुत आता है पॉजिटिव चेंज का मतलब ये है कि हम जब स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उनकी वीकनेसेस क्या हैं तो वो बहुत पॉजिटिवली अपनी स्ट्रेंथ्स को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस पर काबू पा सकते हैं मगर उसके लिए उनको प्रॉपर आगाही देना जो है वो बहुत ज़रूरी है इस तरह बाजा स्टूडेंट्स जो हैं वो अननेसरिली जो है वो फाइट्स में इंगेज होते हैं तो और अगर हम उनको ये बताएं कि दिस इज़ वन ऑफ देयर वीकनेसेस वी गिव दम आर चॉइस टू थिंक अबाउट इट एंड दे कैन ओवरकम दिस वीकनेस सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड एंड टीचर्स शुड डिवेलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इसके साथ साथ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैनर्स एंड एटीक्यूट्स की इंप्रूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है हम जब स्टूडेंट्स को ये एहसास दिलाते हैं कि ये उनका पॉजिटिव बिहेवियर है ये उनका नेगेटिव बिहेवियर है एंड दे नीड टू सिस्टमेटिकली वर्क ऑन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स तो स्टूडेंट्स में बहुत अच्छी तब्दीली आती है खुशाइन तब्दीली आती है जिसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स दे आर एबल टू मेनटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स हेल्दी रिलेशनशिप से स्कूल का माहौल बेहतर होता है हेल्दी रिलेशनशिप से स्टूडेंट्स जो है ही और शी फील्स वेरी कॉन्फिडेंट और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर आमतौर पर स्कूल्स में काम जो है वो इतना होता नहीं है फॉर एग्जाम्पल हम जो स्कूल में हम जिस चीज़ पर तोज्जो दे सकते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स को हम ये कहें दैट बी पोलाइट एंड वी शुड डिवेल्प दिस क्वालिटी इन स्टूडेंट्स दैट दे शुड बी पोलाइट विद अदर्स इसके साथ साथ दे शुड ऑलवेज से हेलो टू पीपल अराउंड इन द स्कूल इसके साथ साथ

आप अपने लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है आप जो हैं वो दूसरों को भी जो है वो सराहें इससे दूसरों का कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट करता है इसके साथ प्लीज़ एंड थैंक यू कहना जो है ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप ये नहीं कहेंगे सो अगेन दैट इज़ नॉट अ गुड एडिकेट दैट इज़ अगेंस्ट गुड मैनर्स सो ये तमाम जो बातें हैं इनका स्टूडेंट की को इसका इसका एहतराम करना और इसको फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ

एंड पर्सनल हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ स्टूडेंट स्कूल लाइफ और इसमें यह बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स अगेन इस बात को समझें कि उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या हैं विध रिस्पेक्ट टू हाइजीन बिकॉज इफ दे कंट्रोल द हाइजीन फैक्टर द फील कॉन्फिडेंट बात दूसरे बच्चे जो हैं तिल उनका मजाक उड़ाते हैं दिल लुक शेबी दिल लुक अगली तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उनमें यह सेल्फ अवेयरनेस आए कि वो हाइजीन को कैसे मेनटेन कर सकते हैं All of these processes can be followed, can be applied through proper guidance and counseling इसीलिए guidance and counseling का day one से इसका जो इसकी जो implementation है school level के ऊपर ye बहुत जरूरी है इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है तमाम स्कूल स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है सो दैट स्टूडेंट्स कैन be हेल्प adequately इन द स्कूल रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ये बहुत जरूरी है दैट स्टूडेंट्स शुड रियलाइज देअर पोटेंशियल उनके अंदर क्या स्किल्स हैं और उनको किस तरह पॉलिश कर कर एक खास करियर पाथ पे चढ़ा जा सकता है या खास बेहवोरियल डेवलपमेंट की जा सकती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स टू मेक स्टूडेंट्स रियलाइज एंड डिस्कवर देअर पोटेंशियल्स ये एक बहुत अहम बात है इस पर आम तौर पर अगेन स्कूल में इतनी या कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा सकती नाओ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और पोटेंशियल बिल्डिंग में क्या चीज अहम है इसमें यह चीज़ अहम है कि हम इस पर सिस्टमेटिकली काम करें क्योंकि इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल मेचोरिटी की तरफ लेकर आते हैं साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी से हमारी ये मुराद है कि जैसे हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे उनको प्रॉपरली काउंसिल करेंगे वो साइकोलॉजिकली मेच्योर होंगे और इसके जरिए वो अपना जो पोटेंशियल है वह जो अपनी स्किल्स हैं उनको रियलाइज करेंगे न सिर्फ रियलाइज करेंगे बल्कि दे विल पुट दो स्किल्स इन एक्शन दे विल भी बेहवोरियली स्मार्ट इंडिविजअल्स सो दिस साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी रीच्ड थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसिलिंग इसके साथ साथ वट इज इम्पॉर्टेंट इज के स्टूडेंट्स जो हैं दे शुड फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर पोटेंशियल्स स्टूडेंट्स व्हेन दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर पोटेंशियल्स, देन देयर साइकोलॉजिकल मेकअप इज टोटली डिफरेंट दे आर नॉट ओनली कॉन्फिडेंट बट दे बिकम गुड अचीवर्स ऑल्सो दे नॉट ओनली बिकम गुड अचीवर्स दे ऑल्सो ट्राई टू फुलफिल देयर हिडन एम्बीशंस और इसमें अगर उन्हें प्रॉपरली गाइड किया जाए उनको प्रॉपरली काउंसिल किया जाए तो वो उस मार्क तक पहुंच सकते हैं जिसका वो इरादा रखते हैं बाद स्टूडेंट्स को ज़्यादा जरूरत होती है कि उनको सिस्टमेटिकली गाइड किया जाए ताकि वो एक मार्क तक पहुंच सकें बाद स्टूडेंट्स जो हैं उनमें सेल्फ रियलाइजेशन दूसरों से ज़्यादा होती है और वो अपने पोटेंशियल को ज़्यादा जानते हैं और वो खुद ब खुद बाज़ात पहुँच जाते हैं मगर हर तालबिल में ऐसा नहीं होता बाज़ लोगों को प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की मुस्तकिल ज़रूरत होती है तो हमें तैयार रहना चाहिए ताकि हम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली जो है वो गाइड और काउंसिल कर सकें इसके अलावा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स में गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत मदद देती है इसमें ये होता है कि हम उनको बेहतर अवेयरनेस दे देते हैं हम उनको अवेयरनेस देते हैं टू मेक अ चॉइस वी ले डाउन चॉइसेस अराउंड देम एंड थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल दे पिक देयर चॉइस और ये तभी हो सकता है जब उनको प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनके सामने चॉइसेस रखी जाएं। सो दिस अगेन इज़ अ प्लैंड इंटरवेंशन बाय द स्कूल जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स जो हैं वो करियर चॉइसेस कर सकते हैं इसके अलावा हम स्टूडेंट्स में प्रॉपर वर्क एटीट्यूड्स जो हैं उनको डेवलप कर सकते हैं वेन दे रियलाइज देयर पोटेंशियल देन वॉट हैपन्स इज दैट दे कैन डिवेलप गुड वर्क एटीट्यूड्स ऑल्सो इसमें भी हम उनकी मदद कर सकते हैं बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स मेहनती तो होते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ आती कि हाउ टू चैनलाइज देयर हार्ड वर्क वहां पर टीचर्स जो हैं वो उनकी मदद करते हैं सो थ्रू प्रॉपर गाइडेंस थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग दे आर हार्ड वर्क इज चैनलाइज्ड देयर इंटेलिजेंस इज चैनलाइज्ड सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स द डेवेलपमेंट ऑफ और इनरिचमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट पोटेंशियल इन रियल लाइफ इसके अलावा वट इज इंपॉर्टेंट इज कि जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग को सामने रखते हैं और ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम कहाँ कहाँ मदद कर रहे हैं और हम उसके ऊपर कहाँ कहाँ से असरअंदाज हो रहे हैं तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन आ जाती है कि हम उसको एक एजुकेशनल पाथ देते हैं एजुकेशनल पाथ देने के साथ साथ हम उसकी स्किल्स पर काम करते हैं उसकी कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिन पर काम करके हम उसको एक स्किल्ड इंडिविजुअल बना सकते हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स डू नॉट रियलाइज़ दैट दे हैव पर्टिकुलर स्किल्स सम स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली गुड आर्टिस्ट्स सम स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली गुड राइटर्स बट दे डू नॉट डिस्कवर दो स्किल्स अंटिल वी गाइड देम टू डू सो सो ये काम करना बेहद ज़रूरी है इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की विजन और इंटरेस्ट्स को भी मैंटेन करना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं और वो उन इंटरेस्ट्स को कैसे मेनटेन कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट द टीचर्स नीड टू प्ले इसके साथ साथ वैल्यूज एंड गोल्स क्या हैं What are the values that students come with? And what are the goals that they can set for themselves so that their potentials are not only realized, but put into action? So realization of potential is extremely important. And this can only happen when, a systematic intervention, we guide students and counsel them so that they can meet their targets.